डीएलएड ऑनलाइन क्लास में मैं कुलदीप सिंह डायट लेक्चरर हाथरस आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट कक्षा में जो डिस्कशन किया था वो स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और योगा पर किया था, वहीं आज हम अपना स्पोर्ट्स का एक नया टॉपिक वॉलीबॉल जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आता है उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक रहेंगे, जो पॉइंट्स रहेंगे, वो उसमें इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई, फादर कौन थे, क्यों बनाया गया, इसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, और उस पर आज हम पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक वॉलीबॉल ओवरव्यू मतलब इसमें जो स्टेप्स हैं उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इट इज अ टीम स्पोर्ट्स इन विच टू टीम्स ऑफ सिक्स प्लेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ नेट। इट मींस इसमें छह प्लेयर होते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में छह प्लेयर होते हैं, तो उसको डिवाइड करता है हमारा नेट दोनों साइड के प्लेयर्स को। FIVB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल जो की बात करता है फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट्स फाउंडेड इन पेरिस फ्रांस इन 1947। इसको जो डेवलप किया गया था जो फ्रांस में हुआ था 1947 में, इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन लुशान स्विट्जरलैंड एंड इट्स करंट प्रेसिडेंट इज एरी ग्रेका। इट मींस इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है लुशान में। हिस्ट्री, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है विलियम जी मॉर्गन की जो इसके फाउंडर है फादर है और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर इन द YMCA USA। इट मींस ये जो डायरेक्टर थे वो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन था USA में, उसके डायरेक्टर थे विलियम जी मॉर्गन, इनको हम WG मॉर्गन भी बोल देते हैं। YMCA ये वर्ड आप देख रहे हैं YMCA इसका मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन विच इज वर्क्स फॉर द डेवलपमेंटेशन। क्रिएटेड ऑन द 9 February 1895 इट वॉज कॉल्ड अ मेंटोरिटी। जब वॉलीबॉल को डेवलप किया गया था क्रिएट किया गया था बनाया गया था वो 9 February 1895 में बनाया गया था और उसका नाम दिया गया था मिंटोनिटे। अगर हम बात करते हैं कि वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है तो वो है मिंटोनिटे। द स्पोर्ट्स वॉज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम फॉर द 1964 समर ओलंपिक। अगर हम बात करते हैं कि वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था तो 1964 समर ओलंपिक में शामिल किया गया था। ट्रेड ऑफ द गेम बॉर्डर फ्रॉम द टेनिस और हैंडबॉल। ये जो इसका ट्रेडिशन है इस बॉल वॉलीबॉल का जो ट्रेडिशन था जो लिया गया था वो टेनिस और हैंडबॉल से लिया गया है। इसमें कुछ गेम्स कुछ रूल्स टेनिस के हैं कुछ रूल हैंडबॉल से हैं, तो उन दोनों को मिलाकर के कंबाइन करके वॉलीबॉल बनाया गया। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की बिगिनिंग की तो उस समय ये रूल्स चलते थे जिसमें था द फर्स्ट रूल रिटन डाउन बाय द विलियम जी मॉर्गन। नेट था जो नेट है जो डिवाइड करता है कोर्ट को उसकी हाइट थी 6 feet 6 inches 1.98 meter हाइट थी। कोर्ट जो था जो जिसपे हम खेलते हैं जो ग्राउंड होता है उसकी मेजरमेंट थी 25 into 50 feet 7.6 into 15.2 meter। प्लेयर्स एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स मैच कंपोज ऑफ 9 innings विथ 3 serves फॉर ईच टीम इन ईच इनिंग। तो ये जो रूल्स बनाए गए थे वो बनाए गए थे बिगनिंग में जब स्टार्टिंग हुई थी वॉलीबॉल की। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है तो वॉलीबॉल कोर्ट होता है द फर्स्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड वॉलीबॉल कोर्ट। जो हमें सबसे पहले जरूरत होती है वॉलीबॉल के लिए वो होता है कोर्ट। और कोर्ट की डायमेंशन हमारे की इस तरीके से होती है जो कि 60 into 30 feet और 18 into 9 meter होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। द लेंथ ऑफ द एंटायर इन प्ले एरिया ऑफ द कोर्ट each side of the court and therefore 30 feet by 30 feet in size. Lines painted in a all white. ये जो line आप देख रहे हैं ये सारी lines जो इसको covered करती हैं जो इसको draw करती हैं वो सारी lines white color से draw की जाती हैं क्योंकि उसकी visibility को बढ़ाने के लिए। अब आप देखते हैं ये जो है हमारा all lines are 5 cm wide। जो जिस line को हम draw करते हैं जिस line से हम अपने court को दिखाते हैं कोर्ट इस तरीके से होता है कोर्ट की लाइन सी होती है मेजरमेंट ये होती है उसकी जो थिकनेस है लाइन की वो 5 सेंटीमीटर की होती है विद अ लाइट कलर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ द
फ्लोर एंड फ्रॉम द एनी अदर लाइन्स। जो उसके फ्लोर होता है, जो जैसे मान लीजिए उसका जो फ्लोर है वुडन भी हो सकता है और उसकी फ्लोर ग्रास भी हो सकती है और मड भी होती है, तो इसलिए उस पर जो विजिबिलिटी होती है सबसे ज्यादा व्हाइट कलर की होती है और उन व्हाइट कलर की लाइन्स को विजिबल करने के लिए 5 सेंटीमीटर रहते हैं। तो उसमें जो टोटल जो लाइन्स पड़ती है वो ये लाइन्स पड़ती है, फर्स्ट होती है सर्विस लाइन, सेकेंड होती है सेंटर लाइन, थर्ड होती है अटैक लाइन, फोर्थ होती है बाउंड्री लाइन्स। ये हमारा फर्स्ट लाइन सर्विस लाइन। सर्विस लाइन क्या होती है, जब द एरिया फ्रॉम विच द सर्वर मे सर्व द वॉलीबॉल इज मार्क 10 फीट इनसाइड द राइट साइड साइड लाइन ऑन द ईच बैक लाइन। अब देखते हैं, मार्क सपोज दैट दिस इज द वॉलीबॉल कोर्ट, द डायरेक्शन ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट इज लाइक दिस, और ये जो एंड लाइन है जो बाहर वाली सबसे इधर की और उधर वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं साइड एंड लाइन और सर्विस लाइन। दिस इज अ सर्विस लाइन। मान लीजिए ये हमारा कोर्ट है, मानना क्या है कि हमारा कोर्ट ही है और ये जो लाइन है बाहर वाली सबसे एंड लाइन जिसको बोलते हैं वो होती है सर्विस लाइन। अटैक लाइन, अटैक लाइन क्या होता है, जहां से प्लेयर अटैक करता है, डिफेंस अटैक लाइन के अंदर से किया जाता है और अटैक लाइन के बाहर से हमेशा अटैक किया जाता है। तो अटैक लाइन हूज रियर एंड इन द ड्रॉन 3 मीटर्स बैक फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंटर लाइन मार्क्स द फ्रंट जोन। सी, अभी हम बात करते हैं, ये हमारा सेंटर लाइन है, दिस इज द सेंटर लाइन, आप देख रहे हो ये जो लाइन है ये दो लाइन है, ये अटैक लाइन है और ये सेंटर लाइन है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3 मीटर होती है और अटैक लाइन से लेके एंड लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है वो 6 मीटर होती है। सो टोटल डिवाइडेड बाय द सेंटर लाइन टू द वन साइड कोर्ट ऑफ द 9 × 9 मीटर सेम दिस साइड। नाउ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन जो आपकी साइड लाइन्स होती है जो उस पूरे कोर्ट को कवर करती है। टू साइड लाइन्स एंड टू एंड लाइन्स मार्क द प्लेइंग कोर्ट। ये आप देखते हैं, आपका ये वाला साइड दोनों साइड से रियल देख रहे हैं व्हाइट एंड बार, तो ये आपकी साइड लाइन है, ये एंड लाइन है जिसको हम सर्विस लाइन भी बोलते हैं, ये अटैक लाइन है और ये सेंटर लाइन है जो आपके कोर्ट को डिवाइड करती है दो पार्ट में, और ये आपके पोल्स और ये नेट। नाउ ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके वॉलीबॉल कोर्ट का, वॉलीबॉल कोर्ट कैसा दिखता है कैसा नहीं होता है, इसमें आप देखेंगे साइड लाइन, सेंटर लाइन, एंड लाइन, अटैक लाइन और अटैक लाइन। आप देखिए दोनों साइड में ये दोनों अटैक लाइन है, ये देखना दोनों साइड लाइन है, ये आपका सेंटर लाइन और ये एंड लाइन, इसको हम सेंटर लाइन सर्विस लाइन भी बोलते हैं, और ये आपका फ्री जोन एरिया है जिसमें आपके प्लेयर्स ऑफिशियल्स बैठते हैं, जहां से वो ऑफिशियलिंग करते हैं और प्लेयर्स को बैठने का प्लेसमेंट होता है, और इसके बाद बाकी एरियाज होता है जहां पर आपके ऑडियंस और दर्शक बैठे हैं। ये वॉलीबॉल में बात करते हैं, जो हमारी बॉल है वो किस तरह की होती है और उसका शेप एंड साइज क्या होता है, तो स्टैंडर्ड साइज अगर हम बात करते हैं तो वॉलीबॉल में किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो वहाँ स्टैंडर्ड साइज की बात होती है। तो शेल भी स्फेरिकल मेड आउट ऑफ द फ्लेक्सिबल लेदर और सिंथेटिक लेदर, तो वो जो उसका जो मटेरियल होता है जिस मटेरियल से वॉलीबॉल बनी होती है वो फ्लेक्सिबल लेदर और सिंथेटिक लेदर होता है, केस विद द ब्लेडर इनसाइड मेड ऑफ रबर और सिमिलर मटेरियल, और ये जो अंदर इस बॉल के जो अंदर एक ब्लेडर होता है वो ब्लेडर जो है वो रबर का होता है जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं और वो अपना काम शुरू करता है। कलर, कलर जो होता है यूनिफॉर्म लाइट कलर और एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, वो एक यूनिफॉर्म लाइट कलर है जिसके द्वारा वो जिससे आप देखते हैं जिससे विजिबिलिटी वॉलीबॉल की बढ़ती है, वाइट, ब्लू और येलो। क्यों? क्योंकि ये जो कलर होते हैं जो हम खेलते हैं अंडर द स्ट्रीट लाइट और ड्यूरिंग द डे लाइट, उसमें ये विजिबिलिटी इसकी बढ़ती है। नाउ स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्यूज अंडर FIVB द वॉलीबॉल मस्ट, जो हमारा FIVB कहता है फेडरेशन इंटरनेशनल की वॉलीबॉल, वो कहता है सर्कमफ्रेंस बिटवीन 20 to 27 inches, जो इसका सर्कमफ्रेंस है बॉल का वो 20 to 27 inch होना चाहिए या 65 to 67 centimeter बॉल का वेट। स्टैंडर्ड वेट की हम बात करते हैं 9 to 10 ounce होना चाहिए और 260 to 280 grams होना चाहिए, इन ग्राम्स की बात करते हैं तो, और इनसाइड प्रेशर जो बॉल का जो प्रेशर होता है एयर प्रेशर होता है वो 4.26 to 4.61 psi होना चाहिए और बिटवीन 0.30 to 0.325 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए।
तो ये आप देखते हैं कि ये आपकी जो वॉलीबॉल का जो बॉल है उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जिसमें आपका सर्कमफ्रेंस, वेट और एयर प्रेशर, जिसमें वो हवा जो होती है उस ब्लैडर के अंदर उसका प्रेशर बता है। नेट, नेट क्या होता है, जो आपके कोर्ट को खेलने में डिवाइड करने में हेल्प करता है। नेट पोस्ट आर पोजिशन 36 फीट अपार्ट एंड 3 फीट फर्दर आउट फ्रॉम द साइड लाइन। आप देखते हैं ये जो साइड लाइन है दोनों साइड में, उनसे इस पोल को हमेशा आउटसाइड रखा जाता है एटलीस्ट 3 फीट। नाउ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, हमें क्या चाहिए, हाईलाइट द नेट, दिस इज द हाईलाइटेड नेट प्लेस वर्टिकली ओवर द सेंटर लाइन, दिस इज द नेट विच इज द प्लेस वर्टिकली ओवर द सेंटर लाइन, जो आपका नेट है वो सेंटर लाइन के ऊपर वर्टिकली शो किया गया है। नाउ अब हम बात करते हैं उसकी हाइट क्या रखते हैं, अगर हम बात करते हैं 16 ईयर अंडर द 16 ईयर, यानी अंडर 16 ईयर के लिए हम वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसकी हाइट रखते हैं फीमेल के लिए 2.24 मीटर और मेल के लिए 2.24 मीटर, दोनों के लिए सेम रखते हैं अंडर 16 ईयर्स। अगर हम 14 ईयर और 12 ईयर की बात करते हैं तो 2.12 मीटर 2.12 मीटर, एंड ये बात करते हैं एज ग्रुप्स में अगर हम चाहते हैं 16, 14 और 12। या द स्ट्रक्चर ऑफ द नेक 9.5 इंटू 10 मीटर, यानी कि 9.5 मीटर ये होता है यहां से यहां तक, और 10 मीटर उसकी पूरा कंप्लीट रखते हैं जहां से उसको बांधते हैं पोल से। नेक्स्ट या साइड बाइंड्स, 2 वाइड बैंड्स 5 सेंटीमीटर वाइड सम विद कॉर्ड लाइंस एंड 1 मीटर लॉन्ग फास्टेंड वर्टिकली टू द नेक एंड प्लेस्ड ओवर द ईच साइड। आप देखते हैं कि इसका जो एक एंटीना है तो इसके साइड में प्लेस करते हो और उसको वर्टिकली लगाते हैं। ये एंटीना आपको काम करता है, द फ्लेक्सिबल रॉड 1.8 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm इन डायमीटर वाइड ऑफ फाइबर ग्लास और द सिमिलर मटेरियल। आप देखते हैं ये एंटीना, इस एंटीना का काम क्या है, जब हम खेल रहे होते हैं तो बॉल इसके अंदर चलनी चाहिए, अगर आप इसके बाहर से बॉल आएगी दैट विल द फाउल, वो काउंटेबल नहीं होगी। देखिए आप देखिए, प्लेस द डिस्टेंस 0.5 टू 1 मीटर आउटसाइड द लाइंस, ये आपका पूरा मेजरमेंट है हम इसको किस तरीके से प्लेस करते हैं आपके नेट को। नेक्स्ट या दिस इज अ प्लेइंग एरिया इंक्लूडेड इन द प्लेइंग कोर्ट एंड द फ्री जोन व्हिच इज द मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड एंड ऑल साइड्स शैल बी रेक्टेंगुलर एंड द सिमेट्रिकल। ये आपका प्लेइंग एरिया है कंप्लीट, ये आपका जो आपको इसमें दर्शाया गया। या प्लेइंग सरफेस मस्ट बी फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म, जो आपका प्लेइंग सरफेस है वो सबसे पहले फ्लैट होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मीन समतल होना चाहिए, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रफ प्लेस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस प्लेयर को बढ़ जाते हैं। इट मस्ट नॉट प्रेजेंट एनी डेंजर और इंजरी टू द प्लेयर्स। FIVB कहता है ओनली वुडन एंड सिंथेटिक सरफेसेस अलाउड। अगर आप वॉलीबॉल में इंडोर की बात करते हैं तो FIVB कहता है, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल कहता है कि उसका जो फ्लोर है वो वुडन होना चाहिए, उसका जो सरफेस है जिस पर हम खेल रहे हैं लकड़ी का होना चाहिए या फिर सिंथेटिक का होना चाहिए जिसकी वजह से प्लेयर्स को इंजरी ना हो। जोन्स एंड एरियाज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में।